गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं जाना पाओ। और अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं यहाँ पे जाना पाओ में। यहाँ पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, तो हम कुटिया में जाकर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद थोड़ा दर्शन करेंगे और उसके बाद थोड़ी फोटो खींचेंगे। जब तक हमारी गाड़ी वहां से आए दोस्तों, तब तक पहाड़ों का आनंद लीजिए। देख सकते हो यहाँ पर घने जंगल बने हुए हैं। फाइनली पहुंच गए दोस्तों। दोस्तों अब आने वाला है थोड़ा असली व्यू। भाई साहब की गाड़ी खराब हो गई है, घूमने आए थे यहाँ पे। फाइनली गाइस पहुंच गए जाना पाओ कुटी, और यहाँ पर अब हम एंटर करेंगे। दोस्तों ये पहाड़ों के बीच में ये हितेश मुंडी लटकाए हुए। तो दोस्तों हम वहाँ से आए थे, उस रास्ते से घूम कर यहाँ पर सीधी चढ़ाई करते हुए, उधर सीधा है, और बहुत बहुत लंबी चढ़ाई करी है। वीडियो में आपको इतना पता नहीं चलेगा, जरूर एक बार इस जगह को विजिट करें अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो। ना हो तो भी करें। गाड़ी भी बहुत ठंडी हवा लगी जिस कारण हमें ठंड लग रही है, और यहाँ आसपास पानी भी है तो वो ज़्यादा ठंडा लग रहा है गाइस। और यहाँ पे अभी हम फोटो शूट कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ और करने का विचार तो नहीं है, बस फोटो फोटो फोटो। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारी पूरी गैंग लेके जाना पाओ हिल्स। देख रहे हैं आप हमारे साथ में दो हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, और कुछ मित्र आ रहे हैं अभी तक तो दिख नहीं रहे हैं, आएंगे तब हम आपको उनके अपडेट देंगे। अभी तक के लिए अलविदा। सब पता है गाइस वो नहीं आ रहे हैं, वहाँ तक हम आपको यहाँ की शेयर करा देते हैं। हमें आप कैमरा टर्न करना पड़ेगा, हमें उसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है कैमरा टर्न करने का। जैसा कि हमने आपको बताया था, कैमरा टर्न करके आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है पानी बहुत गहरा है, घाट पर बैठकर स्नान करें, अंदर ना जाएं। और हम अलग से सुझाव देना चाहते हैं कि जिसे तैरना आए वही जाएं, क्या पता अंदर गहरा हो सकता है। तो ये जो बालक जा रहे हैं, दोनों को तैरना नहीं आता फिर भी आगे जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, इन्हें आगे जाना ठीक ही नहीं। हमारे मित्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, आप देख रहे हैं पीछे से आ रहे हैं ये प्रवीण डावर जी, वासुदेव पांडे जी, ऋतिक, एक और हमें नहीं दिख रहे हैं जो, अच्छा वो पीछे से आ रहे हैं विकास जी। सभी गाइस हम यहाँ आप सब में जुड़ चुके हैं। हेलो गाइस बोल दो सब लोग। हेलो गाइस। तो गाइस आप देख रहे हैं कुंड को,
यह जाना पाव का कुंड जहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ साढ़े छह नदी का और उद्गम स्थल माना जाता है, जैसे नखेरी हो गई है, कारम हो गई, चोरल हो गई है, धामनी हो गई है, गंभीर हो गई है, अजनार, उमरा और सुभ्रा नदी का भी इसको उद्गम स्थल माना जाता है। गाय से बहुत ज़्यादा पवित्र जगह इसको बोल सकते हैं हम, और यहाँ पे परशुराम जी का जन्म स्थल भी है। घूमते घूमते बहुत देर हो गई है और आप जोरों शोरों से भूख लगी लगी यहाँ पे हम हेलो नमकीन तैयार हो रहा है चमन का है। दोस्तों उधर भैया हमारे लिए नमकीन तैयार कर रहे हैं, इतने इधर हमारे लिए चाय बन रही है एकदम स्पेशल कड़क कड़क, तो नमकीन खाने के बाद हम चाय पियेंगे। दोस्तों पहले नमकीन आ गया है खाते। शाम के 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है हमको, गरम 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 चाय बिस्कुट खा रहे हैं। यहाँ हमारे वासुदेव आज की ट्रिप इनकी तरफ से। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, अभी 5 किलोमीटर रोड चल जाएगी।